सेटल्ड करने और इत्मीनान से विदाउट किसी सराउंडिंग के शोर के इस प्रेजेंटेशन को 20 मिनट की जो आगे की है अच्छे से सुनिएगा, तो जिससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि आज नहीं तो कल आपको इस बिजनेस को करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी बन जाएगा। आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये जो बिजनेस है ये रिकमेंडेशन और डुप्लीकेशन का बिजनेस है। रिकमेंडेशन आप समझते हैं, हम अपनी लाइफ में बिना किसी रिमुनरेशन के रिकमेंडेशन करते आए हैं, करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। बचपन से लेकर अभी तक हम किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज की रिकमेंडेशन देते आए हैं। और आपको शायद ये जानकर ताजुब होगा, एक साल भर में, पूरे साल भर में हम 250 प्रोडक्ट, 250 प्रोडक्ट सेल ऑफ कर देते हैं सिर्फ रिकमेंडेशन से, और जिसके बदले में हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि हम कभी भी कोई भी अच्छी चीज लेते हैं, जैसे मैंने मोबाइल अच्छा लिया तो मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि इसमें ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, वो भी उस मोबाइल को ले आता है। अब वो मोबाइल ले तो आया फीचर्स देखकर, मैंने उसको बताया, लेकिन उस रिकमेंडेशन का मुझे कुछ मोबाइल फोन कंपनी ने दिया नहीं दिया। अगर हम पिक्चर भी अच्छी देखते हैं तो उसको भी रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन जब आप दूसरा बंदा पिक्चर देखने जाता है तो बिजनेस पिक्चर वाले का बढ़ता है, आपका कोई बिजनेस नहीं बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे माउथ रिकमेंडेशन के साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। यूज करो प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है, और उसको शेयर करो। जो हम करते आए हैं कुछ नया काम नहीं है, आज तक हमने करा क्या है? अगर आपने एक मोटरसाइकिल अच्छी ली है तो हमने 10 लोगों को बताया कि यार मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, और तब दूसरा बंदा भी वो ले आता है, तो वो रिकमेंडेशन ही तो थी। सेम वही चीज यहाँ पे करनी है कि प्रोडक्ट को यूज करो, सेल्फ यूजर बनना बहुत जरूरी है। जब तक आप सेल्फ यूजर नहीं बनेंगे तब तक हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और सेल्फ यूजर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे इस रिकमेंडेशन की वजह से जो आपको इनकम आने वाली है वो कौन कौन सी है? पहली इनकम है रिटेल बोनस, उसके बाद है टीम सेल बोनस, डेवलपमेंट बोनस, ट्रेनिंग बोनस। ये जो 3 बोनस हैं ये वीकली बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। जो आपको इनकम मिलेगी वो मैं बता रहा हूं, जिसे हम स्पॉन्सर इनकम, मैचिंग बोनस और बोनस ऑन बोनस भी कहते हैं। उसके बाद जो 3 इनकम शुरू होंगी वो है यूनी लेवल बोनस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, इलाइट बोनस। ये आपको मंथली बेसिस पे मिलता है। और फिर 2 इनकम है जो ग्लोबल रॉयल्टी और रिवॉर्ड्स, जो क्वार्टरली और ईयरली बेस पे आपको मिलता है। अब एक जो चीज आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं, हम वो 4 लोगों के साथ हमेशा घिरे रहते हैं जो कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं बनने देते। और अगर आप किसी भी रीजन से सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको सक्सेसफुल रहने नहीं देते। वो 4 लोग कौन है? नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, स्ट्रेंजर्स। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी टांग खींचता रहेगा, लेकिन आज अगर मैं यह बात बोलूं कि ये 4 लोग ही आपको काम आने वाले हैं, ये 4 लोग ही अपने आप को सक्सेसफुल बनाएंगे और आपको सक्सेस बनाएंगे। देखना चाहते हैं कैसे? आगे बढ़ते हैं। हमारे इस बिजनेस को कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे बिजनेस को जो ड्रीमर्स हो, विजनरी हो, वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफेशनल इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोर्ट पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, स्टेमिना गेन करने के लिए। स्टूडेंट इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी को अपरिच करने के लिए। होम मेकर एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। ओल्ड एंड रिटायर्ड पर्सन अपने टाइम को एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है ही। बिजनेस ओनर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब इस बिजनेस को करने के लिए 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है: आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल चेक, और आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ये 4 चीजें रिक्वायर्ड है इस बिजनेस में एंटर करने के लिए। रजिस्ट्रेशन हमारे साथ इस बिजनेस में आने के लिए टोटली फ्री है। आप घर बैठे बैठे अपने आप को हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हो। मोबाइल फोन उठाइए, शेयर वी शेयर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रजिस्टर्ड एज ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के क्लिक करेंगे तो आप डिटेल भरते चले जाइए, आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बिजनेस घर से शुरू होता है,
ये इसका ब्यूटी है, ये इसका प्लस पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, इस बिजनेस में चार दरवाजे हैं। अब आपको देखना है कि कौन से दरवाजे से मुझे इस बिजनेस में एंटर करना है। हर दरवाजे के बेनिफिट्स अलग अलग हैं। पहला दरवाजा है हमारा ब्रॉन्ज कार्ड का, दूसरा दरवाजा है हमारा सिल्वर कार्ड का, तीसरा दरवाजा हमारा गोल्ड कार्ड का, और चौथा दरवाजा हमारा प्लेटिनम कार्ड का। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कार्ड से इस बिजनेस में एंटर करना है। मैं इन कार्ड्स के बेनिफिट्स आपको जरूर बताऊंगा। जब आप ब्रॉन्ज कार्ड होते हैं आपका लेवल 3 स्टार होता है, जैसे ही आप सिल्वर कार्ड पे जंप करते हैं आपका लेवल 4 स्टार हो जाता है। 4 स्टार के बेनिफिट्स क्या है, ये हमारे रैंक है, प्रमोशनल रैंक्स भी इनको बोलते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद आप गोल्ड जब बनते हैं तब भी आप 4 स्टार के रैंक पे रहते हैं, और जब आप प्लेटिनम बनते हैं तब आप 5 स्टार के रैंक पे आ जाते हैं। अब ये रैंक का क्या बेनिफिट होगा ये मैं आपको अभी बताता हूं। मेरे ख्याल से मैं ठीक से चल रहा हूं, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूं, सबको समझ आ रही है? एक बार यस और नो करके बता दीजिए। यस यस यस, चलिए सब लोगों को समझ आ रहा है अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रॉन्ज कार्ड हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं? ब्रॉन्ज कार्ड अप्रोक्सीमेटली 10,000 वर्थ के प्रोडक्ट बाय करने से हम ब्रॉन्ज कार्ड बनते हैं, 20,000 वर्थ के प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली बाय करने से हम सिल्वर कार्ड बनते हैं, और 40,000 के प्रोडक्ट बाय करने से हम गोल्ड कार्ड बनते हैं। और जब हम अपने आप को गोल्ड क्वालिफाई कर लेते हैं और दो और लोगों को गोल्ड और क्वालिफाई करवा देते हैं तो हम लोग प्लेटिनम पे पहुंच जाते हैं। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि इन चारों चीजों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ब्रॉन्ज कार्ड के ऊपर जो आपको टीम सेल बोनस मिलेगा, जिसे हम स्पॉन्सर इनकम कहते हैं, वो मिलता है 10%। मैचिंग बोनस, जिसे हम डेवलपमेंट बोनस भी कहते हैं, 8-9% मिलता है। ट्रेनिंग बोनस आपको ब्रॉन्ज कार्ड के ऊपर नहीं मिलता है। कार्ड डिस्काउंट कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलता है, और कैशबैक भी आपको नहीं आता है, लेकिन रिटेल डिस्काउंट आपको 20% इसमें मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो सिल्वर जब आप बनते हैं तो सिल्वर बनने के बाद आपको टीम सेल बोनस 15%, 9-10 मैचिंग, 5% आपको 2 जनरेशन का ट्रेनिंग बोनस मिलता है, जिसे हम बोनस ऑन बोनस कहते हैं। मैं नेक्स्ट आगे स्लाइड आने पर मैं आपको सारी चीज क्लियर भी करूंगा। 5% आपको मिलता है कार्ड डिस्काउंट, अगर आप अपनी आईडी पे कुछ भी रीपर्चेस करेंगे तो आपको डीपी पे 5% और लेस प्रोडक्ट मिलेगा, और 10% आपका बिजनेस वॉल्यूम का कैशबैक भी आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है, और 20% रिटेल बेनिफिट हर कार्ड पे सिमिलर है। गोल्ड कार्ड के ऊपर आपको 18% डायरेक्ट इंसेंटिव अगर किसी को स्पॉन्सर करते हैं, 10-11 आपको मैचिंग इनकम मिलती है, 5% आपको 3 जनरेशन तक, 3 लेवल डाउन तक बोनस और बोनस मिलता है, और 8% आपको पर्सनल डिस्काउंट मिलता है पर्सनल परचेज के ऊपर, रीपर्चेज के ऊपर, और 10% आपको कैशबैक भी आता है। अब देखते हैं सबसे प्रीमियम कार्ड प्लेटिनम। प्लेटिनम लाइफ में एक बार ही बनना है, जिंदगी में एक बार ही बनना है, और प्लेटिनम बनने के बाद 20% आपको डायरेक्ट बोनस मिलता है, 11-12% आपको मैचिंग बोनस मिलता है, 5% 4 जनरेशन तक आपको बोनस और बोनस ट्रेनिंग बोनस मिलता है, 15% आपको कैशबैक मिलता है, और 15% ही आपका डिस्काउंट रहता है रीपर्चेस के ऊपर। तो ये है प्लेटिनम का। अब देखते हैं कि किस कार्ड से अगर हम अपने सेल्फ यूज के लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसमें हमें कैसे कैसे बेनिफिट होता है। अगर हम ब्रॉन्ज कार्ड है तो हमें हेयर ऑयल अगर हम परचेज करते हैं तो तकरीबन 68 रुपीज का बेनिफिट मिलता है, जो एमआरपी और डीपी का डिफरेंस है। अगर हम सिल्वर कार्ड है और तो हमें 94 रुपीज का डिफरेंस का बेनिफिट मिलता है। अगर हम गोल्ड कार्ड है तो 120 रुपीज का बेनिफिट मिलता है, और अगर हम प्लेटिनम कार्ड है उसी हेयर ऑयल के ऊपर 125 रुपीज का डिफरेंट हम इंजॉय कर सकते हैं।
तो मैक्सिमम प्लेटिनम कार्ड के ऊपर। आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो तो आप कैलकुलेशन करके देखो कि अगर आपने सैनिटरी नैपकिन ही लिया, एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, आपने 10 सैनिटरी नैपकिन डेली सेल कर दिए, रिकमेंडेशन की और बेच दिया, तो आपने देखा कि 60 रुपीज एक एक सैनिटरी नैपकिन के ऊपर बचता है आपको, तो 10 के ऊपर 600 रुपए बचे आपको, और आपने 30 दिन ये काम किया तो 18,000 रुपये एडिशनल इनकम सिर्फ एक छोटा सा प्रोडक्ट जो सबसे कंफर्टेबल होता है सेल ऑफ करने के लिए, माउथ ऑफ वर्ड की वजह से कि मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं या कर रही हूं और मुझे ये प्रोडक्ट से बेनिफिट है, इतने कहने से ही वो प्रोडक्ट बिक जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेनिफिट आप ले सकते हैं। टूथपेस्ट दांतों की हर बीमारी को दूर करने में हेल्प आउट करता है, उसमें आप 700 रुपीज, अगर 10 टूथपेस्ट निकालते हो तो 700 रुपीज पर डे अर्न कर सकते हो। शैम्पू विथ कंडीशनर वो 122 रुपए प्लेटिनम की आईडी पे हो, तो आप देख सकते हैं कि कितना मार्जिन आप अर्न कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो मार्जिन है हमें रिमुनरेशन कैसे देगा, आपको इन्वेस्ट क्या करना है। ब्राउंस कार्ड से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, व्हाट टू इन्वेस्ट। आप ब्राउंस कार्ड इस बिजनेस में आते हैं उसके लिए एक कुछ भी प्रोडक्ट आप सिलेक्टेड प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैकेज डिजाइन किया है, आप ओपीसी एफएस टी पॉली मल्टीविटामिन ओमेगा चिटोसन और हाई फाइबर का कॉम्बिनेशन लेते हो, आपकी पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाएगी, इम्यूनिटी भी अप्रीच हो जाएगी। अगर यही पैकेज लेते हो तो आप एज ए ब्रॉन्ज कार्ड हमारे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन कर जाते हो। अब करना क्या होगा आपको, इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद आपका स्टेटस ब्रॉन्ज हो गया तो अब आपको इस बिजनेस में अपने दो फ्रेंड्स को इस बिजनेस में लेकर आना है। पहला आपका अनिल है, आपने करना क्या है, अनिल को सिर्फ इतना बताना कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, तुमने उस अपॉर्चुनिटी को देखना है, सुनना है। जूम पे हमारी लाइव सेशन चल रहे हैं, उस सेशन का आपने लिंक उसको भेजना है, वो घर बैठकर घर के कंफर्ट से इस प्रेजेंटेशन को देखेगा और देखने के बाद जब वो इस बिजनेस में तैयार हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये अनिल है, ये अनिल, तो ये एक हाथ आपका तैयार हो चुका है अनिल के रूप में। तो अब आपको दूसरे फ्रेंड को भी इस बिजनेस के बारे में बताना है, वो बॉबी है। अब आपको बॉबी को बताया, बॉबी ने भी इसी तरीके से इस बिजनेस को देखा समझा। अब ये सारे काम हम कर रहे हैं, आपने तो सिर्फ उसको लिंक भेजा, लिंक भेजने के बाद वो सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है और इस बिजनेस को करने के लिए अगर तैयार हो जाता है तो आपका क्या लगा। आप तो आराम से उसको सिर्फ लिंक ही तो भेजा था, दिखाने का काम हमारा, बताने का काम हमारा, हर चीज लोगों को आपके साथ जोड़ने की देने का काम भी हमारा, सिर्फ आपको उनको इंट्रोड्यूस करना है। और अब आप देखिए जब बॉबी भी आपके साथ इस बिजनेस में आ जाता है तो आपका दूसरा हाथ भी तैयार हो जाता है, तो आपके ये दो हाथ तैयार हो चुके हैं, अब आप फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं, लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो चुके हो, ये दो हाथ इस बिजनेस में आपके साथ आ चुके हैं। और इन दो लोगों के इस बिजनेस में आने से, दो फ्रेंड्स के इस बिजनेस में आने से आपको मिलेगा क्या, टीएसबी टीम सेल बोनस आपको $10 660 रुपए बनता है, और बॉबी से डायरेक्ट बोनस आपको 10% 660 और मैचिंग बोनस 528 रुपए मिलेगा, और टोटल आपको मिलेगा 1848 1848 रुपए आप इन दो लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने से कमाते हो। आपने क्या किया था, आपने प्रोडक्ट लिए सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसको शेयर किया और उनको बताने का काम, दिखाने का और आपके साथ ज्वाइन करवाने का काम हमारा, और उसमें से आपको अर्निंग आना शुरू हो गया। अब ये अगर आपने गोल्ड से इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आपने अनिल और बॉबी को भी गोल्ड से इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया तो आपको रिटर्न क्या आएगी, आपकी आईडी प्लेटिनम बन जाएगी और आपको मिलेगा 13,464 रुपए। जस्ट इमेजिन करके देखिए कि आपने इस बिजनेस को गोल्ड से ज्वाइन किया और आपने अनिल और बॉबी को भी गोल्ड से ज्वाइन करवाया, तो रिटर्न आप देख रहे हैं कि अगर आप एक वीक में ये काम करते हो, एक वीक में आप काम करते हो तो 13,464 उस वीक की इनकम बन जाती है, और हर वीक आप दो गोल्ड दो गोल्ड दो गोल्ड लगाते चले जाते हो तो आपकी इनकम कैसे मल्टीपल होगी आप भी सोच नहीं सकते। तो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, यहाँ पे मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये 10 10 10, अब इसके अंदर हम एक साइन पुट इन कर देते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 ये कितना होता है सर, ये होता है 40। जितने भी लोग आज एक्टिव इनकम
कम में है, वो अपनी लाइफ में 10+10+10+10+ ही कर रहे हैं, वो अपने आज को जमा कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिगर मैं सेम रख रहा हूं, लेकिन इस ये प्लस के साइन को मैंने थोड़ा सा बदल दिया, अब वो मल्टीप्लिकेशन का बन गया। और अब अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि 10,000 सोच सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, फिगर सेम है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। ये मैं बताने जा रहा था कि टाइम कैसे मल्टीप्लाई होगा। अगर आज मैं आपको एक व्यक्ति को बोलूं कि भैया तुम मेरे लिए 12 घंटे काम कर, मैं 1,00,000 रुपए दूंगा, तो वो इजीली कंफर्टेबली मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर मैं उसी व्यक्ति को ये बोलूं कि भैया 2,00,000 रुपए मिलेंगे, तूने मेरे लिए 16 घंटे काम करना है, अगर वो एम्बिशियस होगा, यंग होगा और वो पैसा कमाना चाहता होगा, तो वो मेरे लिए 16 घंटे भी काम करेगा उस 2,00,000 को लेने के लिए। और अगर मैं उसको बोलूं कि भैया तुम्हें 25 घंटे मेरे लिए काम करना है दिन भर में, और मैं तुम्हें 5,00,000 रुपए दूंगा, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं ना। बंदा ये बोलेगा कि मुझे सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, नहाना भी है, धोना भी है, तो 25 घंटे मैं कैसे काम कर सकता हूं? अगर भगवान से वरदान भी मिल जाए, आपको भूख नहीं लगेगी, नींद, खाना पीने की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि दिन भर में तो 24 घंटे होते हैं। समझना ये है, इस प्रेजेंटेशन में यही चीज समझनी है कि आपको अपना टाइम मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। जब तक आपको अपना टाइम मल्टीप्लाई करना नहीं आ सकता, तब तक आप इनकम नहीं जनरेट कर सकते। अब टाइम मल्टीप्लाई कैसे होगा? अब आप इसका एग्जांपल का रिवर्स देखिए। जो भी व्यक्ति आज सैलरी में है, 8 घंटे वो किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, और 8 घंटे के बदले में उसको अगर 10,000 रुपए अर्न कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 4,000 अपने लिए काम कर रहा है, 4 घंटे अपने लिए काम कर रहा है और 4 घंटे अपने एम्प्लॉयर को काम करके दे रहा है। समझ रहे हो इस बात को? कहने का मतलब है कि 4 घंटे वो अपने लिए, क्योंकि जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो कम से कम वो 20,000 का एम्प्लॉयर उससे काम ले रहा होगा, तभी उसको 10,000 देगा, अपनी जेब से तो कोई भी नहीं देता। अब उस एम्प्लॉयर के पास आपकी तरह, राम की तरह 10 लोग हैं, जो 100 लोग हैं, जो 200 लोग हैं। अब राम को अपने टाइम बढ़ाना है, तो वो तो अपने 8 घंटे से 4 घंटे एक्स्ट्रा करके 12 घंटे कर लेगा, और 4 घंटे एफर्ट करके 16 तक ले जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। लेकिन एम्प्लॉयर के पास 200 लोग हैं जो राम की तरह काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर के लिए कितने घंटे काम हुआ? अगर हर कोई 4 घंटे उसके लिए कर रहा है, 4 घंटे अपने लिए कर रहा है, तो 800 घंटे एम्प्लॉयर के लिए काम हुआ, जबकि उसके पास भी 24 घंटे ही थे। अब इनकम कैसे आएगी? 8 घंटे के हिसाब से। देखिए, टाइम इज इक्वल टू मनी। या तो टाइम से पैसा बना लीजिए, या पैसे से टाइम बना लीजिए, चॉइस इज यूअर्स। अगर आप टाइम से पैसा बनाते हो, तो उसे हम सैलरी कहते हैं, उसे हम जॉब कहते हैं, जो कि आपके सपनों को पूरा नहीं होने देगी। तो प्लीज आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? फर्स्ट वीक आपने 2 लोगों को इस बिजनेस में लेकर आए थे। एक मैसेज है, मुझे मैसेज पढ़ने दीजिए, थोड़ा सा मैं सांस भी लूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बहुत बढ़िया, 101%। आगे बढ़ते हैं। व्हाट यू विल गेट? फर्स्ट वीक में आपने 2 लोगों को बिजनेस में लेकर आए, तो आपको 1,848 रुपीज मिला, 1,848 रुपए मिले। क्लियर है ये बात? अब ये मल्टीपल कैसे होगा? आगे बढ़ते हैं। अब जो अनिल और बॉबी आपके साथ आए थे, अब उनको अपने 2-2 लोगों को इस बिजनेस में लेकर आना है। जब वो 2-2 लोगों को इस बिजनेस में लेकर आएंगे, मैं अभी एक ब्रॉन्ज कार्ड की फिगर बता रहा हूं, तो आपको मिलेगा 1056। और जब थर्ड वीक होगा, जब वो 2-2 लोगों को लेकर आएंगे, तो आपकी इनकम होगी 2112। और जब वो फोर्थ आगे 8 लोग अपने 2-2 लोगों को लेकर आएंगे, तो 16 लोग हो जाएंगे, तब आपको मिलेगा 4,224। और जब फिफ्थ वीक में सिर्फ हर कोई इंसान क्या कर रहा है कि 2 लोगों को इस बिजनेस में लेकर आ रहा है, और हम सब लोग 2-2 लोगों को ही इस बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, और ब्राउन्स कार्ड से, ये इनकम मैं सिर्फ ब्राउन्स कार्ड की बता रहा हूं। तो फिफ्थ वीक में आपकी अर्निंग होगी 8,448, और सिक्स वीक में होगी 64 लोग, जब 32 लोग 2-2 लोगों को लेकर आएंगे, 64 लोग आएंगे, तो 16,896। और सेवंथ वीक में ये इनकम आ जाएगी 33,792,
और 8 वीक में ये इनकम बन जाएगी 52,800। अब ये कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन को झूठ नहीं कहा जा सकता। आप इस कैलकुलेशन के ऊपर काम करेंगे 101% ये इनकम आएगी, 101% ये इनकम आएगी। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पूरे वीक में 52,800 आपने अर्न किया, महीने में आपने अर्न करा 2,00,000 रुपए। तो ये पहला स्टेप था। अब देखते हैं कि अगर आप गोल्ड से इस बिजनेस में आते हो, और सब लोग गोल्ड से इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, वही सेम स्टेप में ले रहा हूं, तो आपकी अर्निंग बनेगी, ये डॉलर्स में दिखाई गई है, अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं 13,464 आपको पहले स्टेप में, और धीरे धीरे 8वें स्टेप पे आपको मिलना शुरू हो जाता है 3,30,000 रुपए इस बिजनेस से आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम गोल्ड से ज्वाइन करते हैं और सब लोग गोल्ड से ही इस बिजनेस में आते हैं, तो ये आपको बिजनेस से अर्निंग आ सकती है। और अब देखते हैं कि अगर हम इस बिजनेस को मैचिंग बोनस कैलकुलेट करें, तो अगर ब्रॉन्ज से करते हैं तो हम लोग मंथली जो इनकम अर्न कर पाते हैं वो 2,11,200 है। सिल्वर कार्ड के ऊपर अगर हम बात करें तो सिल्वर कार्ड के ऊपर ये इनकम बनती है 4,22,400 रुपए। अगर हम गोल्ड कार्ड से इस बिजनेस में आते हैं तो ये इनकम बनती है 7,92,000। और अगर हम प्लेटिनम है और सब लोग नीचे ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां ये इनकम बनती है 13,20,000 मंथली इनकम। तो आप समझ सकते हैं कैलकुलेशन है, ऐसा होगा, ये मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट नहीं है, 1% डाउट नहीं है। और उसके बाद अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैचिंग बोनस और मल्टीप्लिकेशन की पावर कितनी होती है। अगर एक व्यक्ति एक महीने में 2 लोगों को इस बिजनेस में लेकर आता है और वो भी अगले महीने में 2 लोगों को लेकर आते हैं, तो हर एक इंसान 2-2 लोगों को अपने सिस्टम में एक एक महीने में लेकर आता है, तो 12 महीनों में हमारे साथ टोटल 8,190 लोग आते हैं। कितने लोग आएंगे? 8,190। अगर हम मैचिंग की कैलकुलेशन करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ, तो हमारे साथ लोग आए 4,096। अब 4,096 को सारे के सारे लोग ब्राउन कार्ड से इस बिजनेस में आते हैं, तो हमें मैचिंग मिलती है 528 रुपए 2 लोगों की मैचिंग का, और 4,096 लोगों की मैचिंग का हमारी जो इनकम बनेगी साल भर में वो बनती है 21,62,160 रुपए। जस्ट कैलकुलेट दिस, फिगर्स हैं, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि फिगर्स है, फिगर ये आपको दे सकती हैं अगर ब्रॉन्ज कार्ड से। और अगर हम ये सिल्वर कार्ड से ज्वाइन करते हैं और सिल्वर कार्ड से ही सबको ज्वाइन करते हैं, तो ये इनकम आपकी एक साल में 47,74,000 आ सकती है। और अगर कोई गोल्ड कार्ड से इस बिजनेस में आता है जिससे वो प्लेटिनम अपग्रेड हो जाता है, तो ये इनकम आपकी 1,18,91,000 के करीब आपकी बनकर निकलती है। अब कैलकुलेशन है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर आपका इसका 50% भी काम होता है तब भी करोड़ों में इनकम है, और अगर आपका 10% काम होता है तो तब भी लाखों में इनकम है। ये इनकम आ सकती है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन काम इस तरीके से होना चाहिए। अब देखते हैं हम ट्रेनिंग बोनस। ट्रेनिंग बोनस ब्रॉन्ज कार्ड पे नहीं मिलता है, सिल्वर कार्ड पे 2 जनरेशन का मिलता है, गोल्ड पे 3 जनरेशन का, प्लेटिनम पे 4 जनरेशन का मिलता है। अब ये जो बिजनेस आपको ट्रेनिंग बोनस देगा, ये आपकी टीम, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, जितनी वो मैचिंग इनकम अर्न कर रही होंगी, उसका परसेंटेज आपको मिलेगा। मान लीजिए अगर आपके 4 लेवल में आप प्लेटिनम हो और आपके 4 लेवल में 1 करोड़ का टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 करोड़ का बोनस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मैचिंग का, तो आपको 5% 4 जनरेशन तक मिलता है और वो बनती है 5,00,000 की। ये तो था ट्रेनिंग बोनस। अब देखते हैं हम यूनिलेवल बोनस। यूनिलेवल बोनस एक ऐसा यूनिक बोनस है जो सिंगल लेग से भी आपको अर्निंग देता है, और ये आपकी सेल्फ रीपर्चेस की वजह से बिल्ड हो जाता है।
अगर आप सिल्वर कार्ड हो आपको 5 लेवल तक मिलता है, गोल्ड कार्ड हो 8 लेवल तक मिलता है, प्लेटिनम हो तो आपको 10 लेवल तक मिलता है। और अगर आपने इस बिजनेस में सिर्फ 2 लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया है और सबने 2-2 लोगों को ही ज्वाइन करवाया और अपना वो सेल्फ परचेज 2,000 रुपए की या 2,000 से ऊपर कुछ भी सेल्फ परचेज करते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से ये इनकम जनरेट होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप 2 लोगों के साथ इस बिजनेस में हो और हर महीने आपको डिश वॉश चाहिए, नहाने का साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, कुछ भी जो हमारे होम केयर प्रोडक्ट है, सैनिटरी नैपकिन चाहिए, वो आप सिर्फ अपने इस बिजनेस से परचेज करते हो और आपकी टीम इस बिजनेस से परचेज करती है, तो ये इनकम निकल कर आती है। तो आप सोच लीजिए कि अगर 2-2 लोगों का ये नेटवर्क है, 10 लेवल तक 84,346 की इनकम बनती है सिर्फ सिर्फ रीपर्चेस की वजह से, 2,500 रुपए की रीपर्चेस की वजह से ये इनकम बनती है। अगर आपने 2 लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, अगर आपने 4 लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो ये इनकम करोड़ों में पहुंच जाती है। जस्ट थिंक ओवर इट, सोच के देखिए। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोनस है जो रैंक बेस पे आते हैं। 5 स्टार तक हमने बात कर ली थी, 6 स्टार के ऊपर जो हमारा जो कैशबैक है वो 20% आता है, 7 स्टार के ऊपर 25% आता है, 8 स्टार के ऊपर 33% आता है, ब्रॉन्ज लॉयन के ऊपर 36%, सिल्वर के ऊपर 38%, गोल्ड के ऊपर 40 स्टार गोल्ड के ऊपर 41 टाइम्स, डायरेक्टर के ऊपर 41.5 और ऑनररी डायरेक्टर के ऊपर 42% आता है। ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोनसेस हैं जो आपको सेल की वजह से, जो रिपर्चेस की वजह से आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा ग्लोबल रॉयल्टी और एलाइट बोनस है। एलाइट बोनस जो आता है ये ब्रॉन्ज लाइन एंड अबव से शुरू होता है। ये इंडिया की रिटेल की टर्नओवर का 7% निकाला जाता है और जिनके पास जितने पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है, उस पॉइंट के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। अगर आप ब्रॉन्ज हो तो आप एक्टिव रहते हो तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, अगर आप सिल्वर हो तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, गोल्ड है तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। तो जितने पॉइंट आपके पास एक्यूमुलेट होंगे उसके हिसाब से जो भी टर्नओवर, जो भी 1 पॉइंट की वैल्यू निकलेगी उससे मल्टीप्लाई करके आपको ये मंथली बेसिस पे इलाइट बोनस मिलता है। और उसके बाद ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है, ग्लोबल रॉयल्टी वर्ल्ड की टर्नओवर का शेयर आपको मिलना शुरू हो जाता है जब आप एक्टिव रहते हो, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड या डायरेक्टर और ऑनरी डायरेक्टर, आपका एक्टिव रहना जरूरी है तब आपको ये रॉयल्टी भी मिलती है। उसके बाद आपको लग्जरी कार अवार्ड मिलता है, जब आप गोल्ड लाइन बनते हो और आप पूरा साल एक्टिव रहते हो तो कंपनी आपको $30,000 का रिवॉर्ड देती है, और जब आप ऑनरी डायरेक्टर बनते हो तो आपको विला फंड भी देती है जो कि 1,12,20,000 का है। तो ये आपको इंसेंटिव देती है रिवॉर्ड्स के रूप में कंपनी जब भी आप इनको अचीव करना शुरू करो, क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है ये एक्यूमुलेटेड है, तो इसके लिए कोई टाइम बार नहीं है कि इतने टाइम में ही करोगे तो मिलेगा, टाइम बार पॉलिसीज भी आती हैं, लेकिन ये आप जब भी आप इसको अचीव कर सको तब आप कर सकते हो। उसके बाद हमारे फॉरेन टूर्स भी देती है कंपनी, तकरीबन 50 टूर मैं इस कंपनी से ले चुका हूं। और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर हमें इस कंपनी में, इस बिजनेस में किस तरीके से अपने आप को बिल्ड करना चाहिए जिससे हम आप ऑप्टिमम लेवल तक, सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सको। उसके लिए आपका प्लेटिनम होना, आपको गोल्ड कार्ड से ज्वाइन करना जरूरी है और 4 लोगों को इस बिजनेस में एज ए गोल्ड कार्ड ज्वाइन करवाएं। इससे क्या होगा, आप ऑनररी डायरेक्टर तक के लेवल को हिट कर सकते हो। सब लोग अगर 4 लाइनें ओपन करके चलेंगे उनकी इनकम भी मल्टीफोल्ड होगी और उनकी रिटर्न्स भी अच्छी आएंगी। यहाँ पे आप अनलिमिटेड लाइनें ओपन कर सकते हो, लेकिन बेस्ट पॉसिबल जो है वो 4 लाइनों के ऊपर वर्क करने से आपको सारी जो अचीवमेंट्स है, रैंक अचीवमेंट्स है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं इसकी USP, लाइबिलिटी फ्री बिजनेस है, इसका किसी भी तरह का कोई लाइबिलिटी नहीं है, रिस्क फ्री है, किसी तरह का रिस्क नहीं है, टेंशन फ्री है, जब लाइबिलिटी नहीं है तो टेंशन नहीं आती। आप इसको पार्ट टाइम और फुल टाइम इनकम बेस पे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। ये ग्लोबल बिजनेस है रॉयल्टी इनकम के साथ, अपनी लीगेसी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हो और पूरे वर्ल्ड में फ्री टूर एंजॉय कर सकते हो। एक्युमुलेटेड बिजनेस प्लान है और किसी भी तरह की कोई डिमोशन नहीं होती इस बिजनेस में। अब कुछ फैक्ट
और देख लेते हैं लाइफ के। देखिए किसी भी इंसान के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना पड़ेगा या क्यों करना चाहिए। किसी भी इंसान के एक्सपेंस हमेशा उसकी सैलरी से बड़े होते हैं, और सैलरी आपको पता है कि छोटी सी सैलरी होती है और कब खत्म हो जाती है पता भी नहीं चलता, और हमेशा एक्सपेंस की वजह से उस पर ग्रहण लगा रहता है। और एक जो बहुत जरूरी बात है, जो 20-25 हजार पे आज की डेट में अर्न कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं, वो तो पीनट है, लेकिन जो सैलरी में 1-1.5 लाख रुपए भी अर्न कर रहे हैं, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप 1-1.5 लाख रुपए सैलरी अर्न कर भी रहे हो तो कम से कम अपने एम्प्लॉयर को 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ का धंधा लाके देते होंगे, तभी आप 1.5 लाख या 2 लाख रुपए अर्न कर रहे होंगे। तो उसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 0.1% के करीब ही आएगा। तो आप ये सोच के देखिए, अपने माइंड सेट को चेंज करके देखिए कि अगर आप 2 करोड़, 3 करोड़, 4-5 करोड़ का धंधा किसी और के लिए कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं। अगर आप 5 करोड़ का बिजनेस लाने का दम रखते हो तो 5 करोड़ कमाने का दम भी रखते हो। तो ये है सैलरी की हकीकत। अब थोड़ा सा और देखते हैं, लिविंग कॉस्ट इन इंडिया 1940 रुपए में 10 रुपए में अच्छे से गुजारा हो जाता था और 8 बच्चे पल जाते थे, और 1960 में यही 100 रुपए में गुजारा हो जाता तो 6 बच्चे पल जाते थे, और 1980 में 1000 रुपए में गुजारा हो जाता था और 4 बच्चे पल जाते थे, और 2000 में 10000 रुपए से गुजारा हो जाता था और 2 ही बच्चे पलते, और 2020 में 1 लाख भी कम पड़ने वाला है और 1 बच्चे की ही अच्छे परवरिश हम कर पाएंगे। आप देखते जाएंगे कि पैसा बढ़ता जा रहा है और बच्चे कम होते चले जा रहे हैं। चेंज क्या हुआ है? चेंज इज ओनली द कॉन्स्टेंट थिंग टू बी हैपन। चेंज ही है एक जो होके ही रहेगी। आज हम अपने आप को बदल लें, जहां हम लोगों को या और एनवायरमेंट को बदलते हुए देख लें, डिसीजन आपका है। आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन। देखिए महंगाई तो बढ़ती रहेगी, ये ना तो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में। अगर आप देखेंगे 1925 में 18 रुपए गोल्ड का प्राइस था और 2011 तक ये 26,400 रुपए पहुंच गया था, और ये जो मार्च 25 का ये प्राइस है, 25 मार्च का प्राइस है 42,470 रुपए पर 10 ग्राम का है। तो इन्फ्लेशन को कभी भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आने वाले टाइम में 1 लाख भी कम पड़ेगा, तो इसलिए इनकम हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी पड़ेगी? डायरेक्ट सेलिंग अब MLM जो है वो गवर्नमेंट से प्रोटेक्टेड है। गवर्नमेंट ने 2016 में इसके अगेंस्ट बाय लॉज बनाए हैं, जिसकी वजह से हम ये इस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए सिक्योर्ड है। ये प्लस एडवांटेज है इस बिजनेस में आने के लिए। और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग जो 2021 में 159.3 अरब का होने वाला है, 21वीं सदी में सबसे बड़ी क्रांति बनने वाला है, और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टू टच 64,500 करोड़ बाई 2025, ये रिपोर्ट्स हैं। अब ये सारी चीजें क्यों हो पा रही है? देखिए यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाउ वी बिल्ड पैसिव इनकम, हम पैसिव इनकम को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इस चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी है। जितने भी आज 5% लोग जो पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे जियो, IGL, टाटा, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, जितने भी बड़े बड़े, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं? वो नेटवर्क बनाते हैं। वो सिर्फ सिर्फ एक काम करते हैं, वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं। और नेटवर्क 95% लोग इनके नेटवर्क का एक हिस्सा होते हैं, जिनका अपना कोई नेटवर्क नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखना चाहोगे तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टाटा ने नमक भी लॉन्च कर दिया, घर घर में टाटा नमक यूज होता है, टाटा के साथ वो कनेक्टेड हो चुके हैं नमक यूज करते हुए। जियो का सिम आज हम यूज कर रहे हैं तो जियो के नेटवर्क में आज हम। फेसबुक, जितनी बार हम फेसबुक पे जाते तो हम फेसबुक के नेटवर्क में आ जाते हैं। तो नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ डिसाइड करेगा, और नेटवर्थ से ही आप पैसिव इनकम को बिल्ड कर पाएंगे, और पैसिव इनकम से ही आप एक जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे।
आगे बढ़ते हैं तो इस बिजनेस में अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में अगर हम इंडिया की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। नए नए बच्चे स्कूल और स्कूल की एजुकेशन लेकर कॉलेज एजुकेशन लेकर बाहर आते जा रहे हैं लेकिन आज उनके पास जॉब्स नहीं है, नौकरियां नहीं है। उनके लिए आज हम लोग इस बिजनेस को दे सकते हैं। अब यहां पे एक देखते हैं टीम वर्क का एक एग्जांपल। एक इंसान एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है तो 10 लोग उस दीवार को कितने टाइम में बना देंगे? दोबारा क्वेश्चन बोलता हूं, एक इंसान एक दीवार को 10 दिन में बनाता है तो 10 लोग मिलकर एक दीवार को कितने टाइम में बना सकते हैं? मुश्किल से एक दिन ही लगेगा। दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। ये टीम वर्क है जिसकी वजह से यहां पे हम सब मिलकर एक दूसरे को आगे सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। थोड़ा सा देखते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री का साइज वर्ल्ड वाइड कितना है। डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल सेल्स अगर मैं बात करूं तो 2009 में $117 ट्रिलियन मतलब डायरेक्ट सेलिंग का $117 बिलियन का बिजनेस था 2009 में और 2017 तक ये $189 बिलियन पहुंच चुका है। तो हर साल ये अपने ही रिकॉर्ड को बीट करता चला जा रहा है। उसके बाद top 10 ग्लोबल मार्केट्स कौन कौन सी हैं? यूनाइटेड स्टेट नंबर 1 पे है डायरेक्ट सेलिंग में, उसके बाद चाइना आता है, फिर कोरिया आता है, जर्मनी आता है, जापान आता है, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान और बाकी और कंट्रीज आते हैं और इंडिया में इन 10 लोगों के बीच में कहीं भी नाम नहीं है। इंडिया का स्टेटस क्या वो भी आपको बताऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने थे, कैसे बढ़ते जा रहे हैं, आज आप नहीं करोगे तो कल आपको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 2009 में 74 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और 2017 तक 116 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में आ चुके हैं। अब बात करते हैं कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है डायरेक्ट सेलिंग में। वेलनेस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है, जो ग्रीन फिगर देख रहे हैं, ग्रीन लाइन देख रहे हैं, मैक्सिमम सक्सेस रेट वेलनेस प्रोडक्ट में ही है और हम लोग भी वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। और अगर हम ग्लोबल सेल्स को देखें, बाकी इंडस्ट्री से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जीत जाएगी। अगर एनएफ का देखें तो $12 बिलियन का है उसका इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री $15 बिलियन की है, मूवी इंडस्ट्री $38 बिलियन की है, ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री $80 बिलियन की है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री $183.7 बिलियन की है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी स्ट्रॉन्ग जाती जा रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग जाती जा रही है। ग्लोबल सेल्स अगर हम देखें तो $1.5 ट्रिलियन 2009 में था और $600 बिलियन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कमीशन के रूप में। और इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ भी है वो कंपाउंडिंग ग्रोथ है, 3.7% की एनुअल ग्रोथ के साथ ये बढ़ रही है। अब डायरेक्ट सेलिंग में 74% लेडीज सबसे ज्यादा अच्छे से काम कर रही है, मेन 26% ही है। यही रीजन है कि अभी हम लोग इंडिया का जो लेवल है वो तकरीबन 20वें लेवल तक आ रहा है। हम लोगों को भी तैयार हो जाना चाहिए। लेडीज इतने अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से इस बिजनेस को आगे लेके जा रही हैं, हैट्स ऑफ टू देम। घर का काम करते हुए, घर का काम संभालते हुए, सारी चीजें संभालते हुए भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर पा रही हैं, हैट्स ऑफ टू देम। हमें भी उनके लेवल पे आना चाहिए। तो अगर हम इनके लेवल पे आएंगे तो डेफिनेटली इंडिया को 20वें लेवल से उठाकर हम ऊपर काफी आगे तक ले जाएंगे। तो ये कुछ वर्ल्ड फेमस चेहरे हम सब लोग जानते ही हैं। बिल गेट्स का कहना है कि इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज करूंगा। और रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है द रिचेस्ट पीपल इज द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स और एवरीवन एल्स लुक फॉर जॉब। मतलब कहने का मतलब है कि जो अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं और बाकी सब लोग जॉब करते हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो ये सारी सेइंग्स हैं जिसकी रीजन से आज की डेट में हमें इस बिजनेस को करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम इस बिजनेस में आकर अपने फ्यूचर को हम सिक्योर कर लेंगे। और सक्सेस मंत्रा क्या है इस बिजनेस का? सिर्फ एक ही मंत्रा है। इस बिजनेस में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आज आपने प्रेजेंटेशन 100% देखा,
लेकिन जब आप इसको रिवाइव करेंगे तो 50% ही बातें मेरी याद रहेंगी। और अगर आपने 50% बातों के साथ डिलीवर करना शुरू किया तो वो सिर्फ आप 10% ही डिलीवर कर पाएंगे, और जब आप 10% डिलीवर करेंगे तो फिर वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इसके लिए इस बिजनेस में आपको चुप रहना है जब तक हम आपसे नहीं कहें। आपके लिए मीटिंग हम देंगे, प्रेजेंटेशन हम देंगे, लोगों को जोड़कर हम आपको देंगे, आपको तो सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस करवाना है। ये इसका थंब रूल है अगर इस बिजनेस में आप अपने आप को सक्सेस करना चाहते हैं। तो टाइम्स इज लाइक ए मैराथन, जो भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है, एंटर किया है, और एवरीवन विंस हु फिनिशेस द रेस, वो हम हर कोई व्यक्ति जीतेगा जो रेस को फिनिश करेगा, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो ये तो था आज का मेरा सेशन, और अब हम कुछ लोगों के जो चार्ट्स आई हैं उन चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और आज आपको बहुत ही अच्छी न्यूज मिलने वाली है, और वो न्यूज क्या है वो भी हम देखेंगे। और मैं अब जल्दी से आपको कॉन्टेक्ट करना जा रहा हूँ मनोज जावा जी के साथ, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर भी हैं, और वो आपको बहुत ही अच्छी न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और जो आपको बताने जा रहे हैं कि आज क्या है। और मैं मनोज जी को अनम्यूट करने जा रहा हूं। मनोज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मनोज जी? हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो अब आप लाइव हैं सर? ओके ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं पहले तो। जी, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर लेता हूं। जी मनोज जी, आप शेयर कर सकते हैं। राइट, दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ टियांस। आपने रुपेश जी का जो सेशन सुना, मेरे ख्याल से आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, एक्सीलेंट। और उम्मीद करता हूँ डेली हम 2 बजे ये सेशन रखेंगे, और हमने कुछ फ्री अवार्ड्स भी, फ्री गिफ्ट भी इसमें रखना था, लेकिन आज हम आपको कुछ और गिफ्ट दे रहे हैं, तो आज आप उसका एंजॉय करें। कल 2 बजे जब सेशन होगा तो आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा, और आपको डेली ये 2 बजे आप सेशन अटेंड कर सकते हैं जूम के ऊपर, आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज देना चाहूंगा। रुपेश जी, स्क्रीन शेयर ओपन करेंगे या हो नहीं पा रही? स्क्रीन शेयर तो आपको ही ओपन करनी है। मैंने, अच्छा मैं होस्ट बनाता हूँ आपको, आप एक मिनट। आपको बहुत बढ़िया गुड न्यूज मैं देने वाला हूँ, जो कंपनी ने सर, अब आप कर सकते हैं। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सीधा उसी पे आता हूँ, डेस्कटॉप पे। चलिए, रुपेश जी नजर आ रही है? हेलो रुपेश जी, नजर आ रही है आपको? हेलो, ओके, नजर आ रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सुल्तान जी, सैफी जी, सभी लोगों का, जितने भी अशोक जी, बाली जी, थैंक यू वेरी मच। कंपनी की तरफ से बहुत ही जबरदस्त ऑफर, बूम बूम ऑफर। आप लॉकडाउन के पीरियड में अपने बिजनेस को घर बैठे हुए भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा प्रोडक्ट प्रमोशन की, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। आप देखेंगे इसमें कोई भी नया व्यक्ति ज्वाइन करता है आपके साथ, या ऑलरेडी ज्वाइन है और ऑलरेडी वो ब्रॉन्ज कार्ड या सिल्वर कार्ड भी है, वो भी इस ऑफर का हकदार होगा। और रिटेल में भी आपको मिलेगा ये ऑफर, और साथ में डेवलपमेंट सेल भी मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। और ये जो ऑफर है ये टियांस की तरफ से आई है, 27 अप्रैल से लेकर 2020 से लेकर 25 मई 2020 तक ये ऑफर है। इस ऑफर के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर कोई भी व्यक्ति ब्रॉन्ज कार्ड करता है, नया व्यक्ति, यानी 100 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेता है,